18 सितंबर से 2 अक्टूबर के दिन ये रहेंगे श्राद्ध पक्ष के दिन और आपके पितरों और पूर्वजों को याद करने के दिन। पर यही दिन आपको आशीर्वाद भी दिलवा सकते हैं और आपके जीवन में मुश्किलों का दौर भी ला सकते हैं। मुश्किलों का दौर आपके जीवन में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों के कारण। कौन सी हैं ऐसी गलतियाँ, वो भी 3 गलतियाँ जो आपको ये श्राद्ध पक्ष के दिनों में नहीं करनी है, जिन्हें पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी गलतियां और हमारे पुण्य कर्म कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अच्छे और बुरे फल हमारे सामने लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से जो श्राद्ध पक्ष का समय है, यानी कि पूरे वर्ष में देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 15 दिन ही होते हैं, जो कि 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय रहेगा। और ये समय आपके एक सात्विक होने का समय है, आपका ये समय एक डिवोशन का समय है, आपके आए पितरों के लिए आपका समर्पित होने का समय है। तो आप समझिए कि ये समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। अब इस समर्पण के भाव में व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठता है, क्योंकि ये समय पितर आते हैं, तृप्त होके चले गए तो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, और अगर मान लीजिए वो अतृप्त रहे तो कहीं ना कहीं आप भी जीवन में एक कॉम्प्रोमाइज्ड रहोगे, अतृप्त रहोगे। तो पहली गलती क्या है? पहली गलती सबसे बड़ी जो इसमें होती है, जो व्यक्ति करते हैं, वो ये करते हैं कि घर में नॉनवेज का बनाना, घर में मांस या मदिरा का सेवन होना, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती होती है। और जिसके कारण देखिए, पुरुष हो सकता है इस बात को ना समझे, पर माताएं बहनें महिलाएं समझती हैं, और इस वजह से उनके घर में क्लेश भी होता है कि कुछ तो दिन छोड़ दीजिए, कुछ तो दिन आप थोड़ा परहेज करिए। चलिए माना कि आपको खाना पीना है, तो कुछ दिन अगर आप अवॉइड कर लोगे, ये जो 15 दिन है अगर आपने ये थोड़ा से त्याग दिए, तो आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 15 दिन आपके त्यागने के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक द्वार खोल देंगे, अन्यथा आपकी गलती ही आपके लिए सभी द्वार को बंद कर देगी। फिर आप अपने आप को ये नहीं समझ पाओगे कि मैं गड्ढे में जा रहा हूँ कि मैं नॉर्मल रास्ते पर चल रहा हूँ। आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाओगे। ये दारू, शराब, नॉन वेज, ये उल्टी सीधी चीज़ें इस समय में आपके सेवन मात्र से। जब कोई व्यक्ति आपके घर में होता है, मान लीजिए आप एक अटेंशन को समझे कि अटेंशन क्या है, आप पूरा दिन आप ऑफिस में काम करते हो, ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो, अपने व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, आप पूरा दिन बाहर रहते हो। जब पूरा दिन बाहर रहने के बाद आप घर पर आए, तो घर पर आने पर आपको अटेंशन देनी है। किसको देनी है? बच्चों को देनी है, अपनी धर्मपत्नी को देनी है। अगर आप घर पर आकर भी इनको अटेंशन नहीं देते हो, अपने ही काम में धुन हो, उनसे बात नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं इनसे भी झगड़ा होगा, वाइफ से भी झगड़ा होगा, वाइफ को भी लगेगा ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो वाइफ जो आपका पूरा दिन इंतजार कर रही है, पूरा दिन आपका घर संभाल रही है, पूरा दिन आपके लिए सेवा कर रही है, आपके लिए कपड़ों का पूरा व्यवस्था कर रही है, खाने की कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, सब कुछ है, अगर उसको ही अटेंशन नहीं मिलेगी तो घर में झगड़ा होगा ही होगा, आपके बीच की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ख़राब होगी। इसी तरह से ये 15 दिन आपकी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वजों के लिए होनी चाहिए। आपको समर्पण कर देना है पूरा का पूरा अपने आप को पूर्वजों के लिए। इसीलिए जितना त्याग करोगे उल्टी सीधी चीज़ों का इन दिनों में, उतना ही आप आशीर्वाद के पात्र बनोगे। अब वो दूसरी गलती होती है कि इस समय में कहीं ना कहीं अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए व्यक्ति कुछ चीज़ें खरीद लेता है, और जबकि ये खरीदी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आप तो अपने सुखों को छोड़ के अपने पितरों के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। अगर आप उनका नहीं करोगे, अपना ही करते रहोगे, तो परेशानी होगी। देखिए, ये मन में मत बिठाइएगा कि हमने कुछ ले लिया, हमने कुछ खरीद लिया तो इससे परेशानी हो जाएगी। एक आध बार आपने गलती से ले लिया तो वो माफ़ है, पर आप रोज़ के रोज़ ये सब काम कर रहे हो तो ये माफ़ी नहीं होती है, ये परेशानी होती है। तो आपने अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए थोड़ा सा त्याग करना है, और पितरों के लिए जो निमित्त कार्य बनते हैं वो आपने करने हैं, जिसमें तर्पण है, पूजा पाठ है, माताएं बहनें घर में उनके लिए जल रखें, रसोई को साफ रखें, ये सब नित्य कर्म हैं। अगर आपने कर लिए तो बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान से आप बच जाओगे, और जो आशीर्वाद पाना है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अब तीसरा काम देखिए, इसमें ये होता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं आप ग्रूमिंग करवाते हो।
आप बाल कटवाते हो, आप इस तरह से कहीं ना कहीं शेविंग वगैरह सब करवाते हो। चलिए माना कि आप ऑफिस में हो, आप यहाँ पर हो, आप ऐसी की जॉब है, ये है, वो है, आप नहीं करवा सकते, आपको तो बिल्कुल टिप टॉप होकर रहना है, वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपकी नौकरी है। पर जो लोग कर सकते हैं अपने बाल ना कटवाना, अपनी दाढ़ी ना कटवाना, इस तरह से अगर कर सकते हैं तो वो मैनेज करें। इन दिनों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनके लिए, उनको पितरों को भी लगे कि हाँ ये तो देखो अपना ही सब करना भूल गया, अब ये हमारे लिए समर्पित है, हमारे लिए। देखो होता ना कि आपने देखे होंगे, साइंटिस्ट देखे होंगे आपने, जो बड़े बड़े रिसर्चर देखे होंगे, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, दाढ़ियाँ मूछें ये सब कटवाते नहीं हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उनको तो धुन यही सवार होती है कि मैं कब किस तरह से कोई रिसर्च में कामयाब हूँ। तो आपके अंदर भी यही धुन होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस भी ऐसी हो जानी चाहिए कि आप किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा आप पागल हो चुके हो, आपके अंदर वो धुन आ चुकी है, आप अपने पितरों के लिए समर्पित हो। समर्पण भाव अपने शरीर, आपके मन, आपके आउटलुक, इस पर होना चाहिए। तो इन बातों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बाकी एक चीज़ और होती है जो कि आंतरिक सुख होते हैं, हमारी मैरिड लाइफ के सुख होते हैं, हमारे बेड प्लेजेस होते हैं, तो 15 दिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है वो माताओं बहनों का आता है, क्योंकि पितर सबसे पहले रसोई में आएंगे आपके, क्योंकि वो तो वैसे ही भूखे प्यासे हैं, उनकी तृप्ति किस तरह से हो। ये सिर्फ भाव होता है, ये नहीं कि वो पानी पिएंगे, वो खाना खाएंगे, नहीं, उनका भाव है, वो भाव से ही, जैसे हम भाव से ऊपर वाले को याद करते हैं ना, वो कनेक्शन बनाते हैं, वही वाइब्रेशंस और वो भाव ही उनको तृप्त करती हैं। इसीलिए आप अपने भाव के अनुसार किचन में आप सफाई रखिए, किचन में आप उनके लिए मटकी रखिए, उसमें थोड़े से तेल डाल दीजिए, इस तरह से आप उनके लिए दीपक लगाइए, दक्षिण दिशा की तरफ आप उनके लिए दीपक लगाइए, साउथ की दिशा को आप साफ रखिए, साउथ अपनी छत को साफ रखिए, अपने घर को साफ रखिए, ये पहले से ही सब कुछ कर दीजिए, और घर में थोड़ा सात्विक माहौल बना के रखिए। देखिए आपके ऊपर चल रहा पितृदोष, पितृदोष के जितने अनेकों लक्षण हैं सबके सब दूर होंगे। ये समय एक ऐसा समय है जो आप अपने जीवन पे चल रही लंबी परेशानियों को दूर कर सकते हो, मात्र छोटे से इन कामों को अपना कर। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को, और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई है, और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है, आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएँ केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास, समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी दोस्तों अन्य जानकारियों के लिए फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए, नमस्कार।